पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह को चुनौती दी थी कि वो आए और पश्चिम बंगाल को संभाले। ममता बनर्जी के शब्द आक्रोश से भरे थे, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने इस आक्रोश का जवाब दे दिया है। अमित शाह ने कह दिया है कि ममता बनर्जी ज्यादा परेशान ना हो, 2021 में बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत से आएगी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर ममता बनर्जी की इच्छा है कि बीजेपी वहां सरकार चलाए तो उनकी ये इच्छा जल्द ही पूरी होगी। 2021 में पश्चिम बंगाल में जनता बीजेपी की पूर्ण सरकार बनाएगी। दरअसल ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी आज से नहीं है, बल्कि ये काफी पुरानी है। ममता बनर्जी को डर है कि कहीं पश्चिम बंगाल की सत्ता बीजेपी उनसे छीन न ले, इसी वजह से ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में ये तनातनी रहती ही है। कोरोना के आते ही ये आपसी खींचतान और ज्यादा तेज हो गई। केंद्र सरकार ने ममता सरकार पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बंगाल में कोरोना की जांच के लिए भेजी गई टीम ने खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में सरकार कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रही है और वहां वायरस बेकाबू होता जा रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य में आ रही एक्सप्रेस ट्रेनों को भी कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया था, क्योंकि वो अपने राज्य में इस कोरोना काल में प्रवासियों को बुलाने के सख्त खिलाफ थे। लेकिन क्योंकि प्रवासी पैदल जाने के लिए ही तैयार थे, तो केंद्र सरकार की भी मजबूरी थी कि प्रवासियों को उनके घर भेजना ही था, लेकिन ममता बनर्जी इसके सख्त खिलाफ थी। जिसके बाद ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि अगर अमित शाह को लगता है कि वो बंगाल को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं तो आए और संभाले, जिसका जवाब अमित शाह ने दे दिया है कि साल 2021 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आकर राज्य की सत्ता को संभालेगी।